अस्सलाम वालेकुम मोहतीन हजरात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट वाले? वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। कंसिस्टेंसी देख रहे हो यार, मतलब कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी और आज दोबारा मैं एक नई वीडियो शूट कर रहा हूं। मतलब यार हमने यूट्यूब की गेम्स को दोबारा उठाना है, सब्सक्राइब कर लिया करो। 96% ऑफ द ऑडियंस ने सब्सक्राइब नहीं किया और वो वेनिया मार रही और ऐसी मेरी वीडियो देख रही है, भाई कर दिया करो, कुछ नहीं हो रहा यार, जाओ यार कर लो। खैर, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा जो है कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में। मेरा एक सेमेस्टर गुजर चुका है और एक सेमेस्टर में 4 महीने होते हैं और मेरा ज्यादा ख्याल है 4 महीने किसी भी प्लेस को, इंस्टीट्यूशन को या किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए इनफ होते हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली आपको और चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, लेकिन 4 महीनों में आपको बेसिक चीज़ें पता लग जाती हैं और आप हर चीज़ से अवेयर हो जाते हैं। तो ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं, नंबर वन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। सॉरी, नंबर वन यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। नहीं यार, वो भी नहीं होगी। नंबर वन यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद। नहीं यार, पता नहीं किस चीज की नंबर वन यूनिवर्सिटी। खैर, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर वन यूनिवर्सिटी ऑफ। खैर, आज की वीडियो में बात करने वाले कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में। देखिए, अगर आप कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं, एडमिशन तो आपका हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको देना पड़ता है NTS। NTS हमारा क्या होता है? NTS होता है जी नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे NET कहते हैं, और NTS शायद नेशनल टेस्टिंग सर्विस होता है। ये हर महीने कंडक्ट होता है और जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉमसेट्स का फिल कर रहे होते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कॉमसेट्स वाले कि आपने NTS देना है या फिर आपका पहले का NTS हुआ है। NTS का सीन ये होता है कि अगर आपने पिछले एक साल के अंदर NTS दिया हुआ है, NTS क्योंकि हर महीने होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो अगर आपने पिछले साल के अंदर मतलब एक साल के अंदर NTS दिया हुआ है, तो आप उसी NTS के नंबर्स को चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना स्कोर आपने इंप्रूव करें, तो आप NTS दे सकते हैं, थ्रू कॉमसेट्स भी दे सकते हैं और वैसे भी आप NTS दे सकते हैं। NTS तो हर महीने ही होता है। तो खैर, अब बात करते हैं कॉमसेट्स के फैकल्टी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। देखिए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही होते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो बेसिकली इस चीज़ के बारे में, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद यार कॉमसेट्स के बारे में जो मैंने चीज़ 4 महीनों में नोट करी है ना, वो ये नोट करी है कि अच्छी है, ठीक है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, और बिल्डिंग बहुत बड़ी है, कैफेटेरिया बहुत अच्छा है, ग्राउंड बहुत अच्छा है, अनएसेंशियल आपके पास कितना ग्राउंड बहुत बड़ा है, खेलने आपको तभी देंगे जब आप किट पहन के आएंगे, बस सिंपल, वेल डन। खैर, बात कर लेते हैं बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग बहुत अच्छी है, डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक ब्लॉक्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। एज सून एज आप अपने टीचर से कोई पंगा नहीं लेते, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर आप टीचर से पंगा लेते हैं, तो टीचर ने कहना है क्या बोला बेटा, पंगा ले रहे हो, बस एफ, ये लो जी आपका रिजल्ट हो गया। तो एज सून एज आप अपने टीचर से बना कर रखते हैं और अपने टीचर से कोई पंगा शंगा नहीं लेते, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी, लेकिन इट डिपेंड्स टू टीचर एंड टीचर। कॉमसेट्स में या फिर आप कॉमसेट्स की बात करो, ओवरऑल जब आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो कॉलेज में आधे से ज़्यादा कंट्रोल टीचर के पास होता है पढ़ाई का, यूनिवर्सिटी में सारा कंट्रोल आपके पास है, मतलब आपके पास है। वो जो लोग कहते थे ना कि भाई 12 कर लो, ज़िंदगी आसान ही आसान है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई ज़िंदगी और मुश्किल होगी या अपने ऊपर ही और बोझ पड़ रहा है? अब होता क्या था, एफएससी में जो है हमारे पास आज ज़्यादा कंट्रोल टीचर के पास होता है, कि टीचर आपको कहता रहता है, रगड़ा देता रहता है कि पढ़ लो। जब 2 महीने रह जाते हैं, 1.5 महीने रह जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज कि यार टाइम बहुत कम रह गया, वाकई अब तो चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। देखो, एक सेमेस्टर होता ही 4 महीने का, ठीक है? हर 4 महीने बाद टीचर्स चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो टीचर्स को होता है कोर्स कवर करवाने का मामला। टीचर्स को इस चीज़ के बारे में कोई गर्ज नहीं कि बच्चा पास हो रहा है फेल हो रहा है, उन्होंने करना है कोर्स कवर। पढ़ना किसने? एट द एंड ऑफ द डे हमने पढ़ना। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को शुरू से खींच के रखते हैं या फिर हम अपने आप को ढील देते हैं। अगर हम अपने आप को शुरू से खींच के रखेंगे और अपने आप को रगड़ा देते रहेंगे, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पेपर की तैयारी में एट द एंड ऑफ द डे मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को ढील देकर छोड़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, फिर आप आखिरी दिन अपने दोस्तों को फोन लगा कह रहे होंगे यार उस्ताद वो चैप्टर नंबर 12 के नोट तो सेंड कर दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना खुद ही होता है, स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। खैर, इसके बारे में भी अगली वीडियो में बात करेंगे, डिग्री वर्सेस स्किल्स के बारे में। खैर, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में देखें, पहली चीज़ तो ये है कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी है भाई। आपको मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि आप हर जगह क्रिकेट खेल देते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन आपको क्रिकेट खेलने नहीं देंगे एनलेस नंटल आप किट पहन के ना आए। इतना बड़ा ग्राउंड है, वड्डा ग्राउंड बनाया है उन्होंने, लेकिन जब तक किट नहीं होगी आप नहीं खेल सकते।
वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल का अलग कोर्ट है, बैडमिंटन का अलग कोर्ट है, वॉलीबॉल के लिए अलग कोर्ट है, ग्राउंड अलग है, ठीक है। उसके अलावा बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, एकेडमिक ब्लॉक्स बहुत अच्छी हैं, क्लासेस इतनी अच्छी भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है, 50-50 आप लोगों ने वीडियोज में देखा होगा। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स कैसी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स कैसे जो कि बस ठीक है, चलता है, नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन वर्थ इट नहीं है इतनी फीस के लिहाज से। खैर, उसके अलावा अगर बात करी जाए टीचर्स के बारे में, देखें टीचर से ऐसा होता है ना कि आपने रखनी होती है बनाक, टीचर से आपने यहाँ पर पंगा लिया, टीचर ने कहना है एफ ये लो बेटा आपका रिजल्ट, ओके अल्लाह हाफिज। तो टीचर से आपने ना पंगा नहीं लेना, अननेसेसरी आप टीचर से पंगा ले लेते हैं ना, बस आपका सेमेस्टर है भाई खतरे में, क्योंकि सेमेस्टर हाथ में ही उनके है, सेमेस्टर उन्हीं के हाथ में, उन्हें आपको नंबर देना है, ये कोई बोर्ड वाला सिलसिला नहीं है कि पेपर उधर जाएंगे उधर जाएंगे उधर जाएंगे फिर आपको रिजल्ट पता लगेगा, नहीं भाई इन्होंने नंबर देने या एफ या ए, बस बीच में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपने टीचर से पंगा नहीं लेना, ठीक है। तीसरी बात यह है कि भाई जब आप शुरू में यूनिवर्सिटी में आते हैं ना तो फिर रहे होते हैं लौंडे, लौंडे क्या कह रहे होते हैं, वो होते हैं सीनियर्स, सीनियर्स आते हैं कहते हैं और एक फ्रेशी है, इधर आओ भाई कौन से सेमेस्टर के हो। अब जो फ्रेशी होता है वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कहता है मैं तो थर्ड सेमेस्टर का हूँ, वो सीनियर क्या कहता है कार्ड दिखाओ, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, कार्ड उसके पास होता नहीं है, वहां पे उसका दिलो दिमाग काम करना छोड़ देते हैं और फिर उसकी हो जाती है रैगिंग। तो आपने झूठ तो बोलना ही नहीं, ठीक है, आपने बोलना है सच, अच्छा हमको सिखा दिया है, ठीक हो गया। दूसरी बात यह कि आपने ना टीचर से पंगा नहीं लेना, और तीसरी बात यह कि अपने आप को खींच कर रखना है। ये तीन चीजें आप लोगों ने दिमाग में बिठा लेंगी अगर आप यूनिवर्सिटी में अच्छा स्क्योर करना चाहते हैं, ठीक है, वरना फेल होने में कुछ टाइम तो नहीं लगता। खैर, दिस वॉज अबाउट कॉम्पिटेटिव यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद। बिल्डिंग के बारे में बात की जाए, बिल्डिंग बहुत A1 लश पश, कैफेटेरिया यार महंगा है, कैफे में जितनी भी चीज़ें मिलती है, पुराना कैफे बहुत अच्छा था, ठीक है, मेरा कज़न यहाँ से ग्रेजुएट हुआ, मुझे बातें सुनाता रहता है, पुराना कैफे में बड़ा चिल सीन था, बड़ी रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइसेस मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस भी नहीं है और मज़े का भी नहीं है। नाश्ता किया था, नाश्ता मज़े का था, लेकिन बाकी चीज़ें बस ठीक है, 50-50 एवरेज है, मेरी के टाइप सी है, ठीक है। खैर, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, खुदा के वास्ते सब्सक्राइब किया करो भाई, रीच बहुत गिर गई है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ठोक देना, आपसे मिलने में, ठीक है।